सिर्फ इंसान ही अपने लिए आलीशान और सुंदर घर बना सकता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घोंसले में एसी लगाती है? और क्या आप किसी ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह ही सजाती है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सारी चिड़िया हैं जो अपने लिए इतने सुंदर घर बनाती हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। इन घोंसलों की लंबाई लगभग 60 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इस कमाल के घोंसले को बनाने के लिए इन पक्षियों को सूखी घास और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। इस कैरेबियन बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर कटहल लटक रहा हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। जनरली ये पक्षी मध्य अमेरिका के लगभग 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है, और वो भी अपने पंजों से खोदकर, जिसकी वजह से इनके घोंसले को देखकर आपको किसी कुएं की याद आ सकती है। बात पक्षियों के घोंसले की होती है तो हमारी नजर हमेशा पेड़ों पर टिक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही घोंसलों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है जो पेड़ों की टहनियों पर टिके हुए हैं। जब ये बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है, इस दौरान ये चिड़िया अपने घोंसले को चारों तरफ से लकड़ियों से इस तरह से ढक देती हैं कि शायद आपको पता भी न चले कि वहाँ कोई घोंसला भी है। इनकी समझदारी और सूझबूझ की तो दाद देनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि इस पक्षी के घोंसले को दुनिया के सबसे सुरक्षित घोंसलों में से एक माना जाता है, जिसका घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत अलग होता है। ये पक्षी भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, मगर इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि पहली नजर में तो ये आपको किसी आम इंसान की झोपड़ी लगेगी। ऐसा आर्टिस्ट पक्षी जिसे इंसानों की तरह ही अपना घर सजाने का शौक है, इस नेचुरल आर्टिस्ट का नाम है बॉवर बर्ड। पतली और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन लकड़ियों की मदद से ही अपने घोंसले को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो बॉवर बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से इसे सजाने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि आप इनके घोंसले को देखकर कुछ देर के लिए सोच में भी पड़ सकते हैं कि कोई पक्षी अपने घोंसले को इतना सुंदर कैसे सजा सकता है। इन्हें अपने घोंसले और उसके आसपास की जगह को सजाने का इतना शौक है कि इन्हें जो भी चीज मिलती है ये उसे लाकर अपने घोंसले में सजा देते हैं। ये पक्षी आकार में जितने छोटे होते हैं उसके ठीक उलट ये अपना घोंसला बनाने के लिए किसी विशाल पेड़ को चुनते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर शायद ही ढंग से दिखाई भी ना दें। हमिंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे घोंसलों में से एक माना जाता है। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करती हैं। जमीन से इन पक्षियों के घोंसले की दूरी लगभग 10 से 90 फीट तक होती है। औसतन एक फीमेल हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती है। ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह ही सजाती है? तो चलिए देखते हैं इस दुनिया के 10 सबसे सुंदर घोंसलों को, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सारी चिड़िया हैं जो अपने लिए इतने सुंदर घर बनाती हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घोंसले में एसी लगाती है, जिन्हें देख आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये किसी पक्षी ने बनाया या इंसान ने? अमेरिका में पाए जाने वाली इस कैरेबियन बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर कटहल लटक रहा हो। तो आप कभी अमेरिका जाएं और आपको किसी पेड़ पर कटहल नजर आए तो उसे तोड़ने से पहले एक बार जरूर जांच लीजिएगा, ताकि कहीं आप गलती से मोंटेजुमा और ओपेंडुला के घोंसले की सब्जी ना बना लें। कमाल के घोंसले को बनाने के लिए इन पक्षियों को सूखी घास और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है, और वो भी अपने पंजों से खोदकर, जिसकी वजह से इनके घोंसले को देखकर आपको किसी कुएं की याद आ सकती है। बात पक्षियों के घोंसले की होती है तो हमारी नजर हमेशा पेड़ों पर टिक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही घोंसलों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है जो पेड़ों की टहनियों पर टिके हुए हैं। इस दौरान ये चिड़िया अपने घोंसले को चारों तरफ से लकड़ियों से इस तरह से ढक देती हैं कि शायद आपको पता भी न चले कि वहाँ कोई घोंसला भी है। इन शानदार घोंसलों को बनाने का ज्यादातर काम मादा पक्षी करती हैं। हालांकि कभी कभी नर पक्षी भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है, लेकिन ये घोंसला सबसे कमाल का तब दिखता है जब ये बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है। इनकी समझदारी और सूझबूझ की तो दाद देनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि इस पक्षी के घोंसले को दुनिया के सबसे सुरक्षित घोंसलों में से एक माना जाता है। नहीं, इन चिड़ियों की इंसानों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सब तो बस इसलिए किया जाता है ताकि कोई शिकारी पक्षी या जानवर इनके घोंसले और उसमें रखे अंडों को ना देख पाए। ये पक्षी भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, मगर इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि पहली नजर में तो ये आपको किसी आम इंसान की झोपड़ी लगेगी। यहाँ तक कि आप इनके घोंसले को देखकर कुछ देर के लिए सोच में भी पड़ सकते हैं। नंबर 8 पर एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी जिसे इंसानों की तरह ही अपना घर सजाने का शौक है, इस नेचुरल आर्टिस्ट का नाम है बॉवर बर्ड, जिसका घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत अलग होता है। इन लकड़ियों की मदद से ही अपने घोंसले को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो बॉवर बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से सजाने में लग जाते हैं।
कि कोई पक्षी अपने घोंसले को इतना सुंदर कैसे सजा सकता है। वैसे घोंसला बनाने के लिए पक्षी किसी हीरे जवाहरात का यूज नहीं करते, बल्कि इसके लिए ये भी ज्यादातर पक्षियों की तरह पतली और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि इन पक्षियों के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर तो जरूर मौजूद है। इन्हें अपने घोंसले और उसके आसपास की जगह को सजाने का इतना शौक है कि इन्हें जो भी चीज मिलती है ये उसे लाकर अपने घोंसले में सजा देते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर शायद ही ढंग से दिखाई भी ना दें। जमीन से इन पक्षियों के घोंसले की दूरी लगभग 10 से 90 फीट तक होती है। विंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे घोंसलों में से एक माना जाता है। ये पक्षी आकार में जितने छोटे होते हैं उसके ठीक उलट ये अपना घोंसला बनाने के लिए किसी विशाल पेड़ को चुनते हैं, जिसकी वजह से किसी चमचमाते हुए कप या कटोरी के आकार का दिखने वाला इन पक्षियों का घोंसला किनारों की तरफ से किसी इलास्टिक की तरह स्ट्रेचेबल होता है। औसतन एक फीमेल हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती हैं। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करती हैं। ऐसा भी नहीं कि हमिंग बर्ड घोंसले के सिर्फ साजो सज्जा और आरामदायक बनाने पर ही ध्यान देते हैं, बल्कि इसकी सिक्योरिटी भी इनकी प्रायोरिटीज में से एक है। प्लास्टिक जैसे किनारों का फायदा हमिंग बर्ड के घोंसले में पलने वाले इनके बच्चों को मिलता है, जिनके बढ़ते आकार के साथ साथ घोंसले का आकार भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि अपने घोंसले को शिकारी पक्षी से बचाने के लिए हमिंग बर्ड्स उसे चारों तरफ से पत्तियों से ढक देते हैं, जिस वजह से अक्सर दूसरे पक्षी या जानवर की नजर पत्तियों के अंदर बने घोंसले पर नहीं जा पाती और इनके अट्रैक्टिव घोंसले वैसे के वैसे सुरक्षित रह जाते हैं। क्योंकि हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद बॉल्ड ईगल के घोंसले को देखकर आपकी सारी गलतफहमी चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि बॉल्ड ईगल को सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक माना जाता है। बात करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पक्षी का घोंसला कितना बड़ा हो सकता है तो शायद आप एक खाने की प्लेट या ट्रे की तरफ इशारा करके बताएं कि इतना बड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसका घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है, क्योंकि इनके घोंसले का आकार काफी बड़ा और हैवी होता है, इसलिए इसे बनाने में काफी समय भी लगता है। ये जब खुद आकार में इतने बड़े होते हैं तो इनके घोंसले का आकार तो बड़ा होगा ही। बाकी पक्षियों की तरह ये भी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पर ही बनाते हैं, कर देते हैं। बॉल्ड ईगल अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुनसान जंगल को चुनते हैं, इसलिए आमतौर पर इनका घोंसला इंसानों की नजरों में भी नहीं आता है। यही वजह है कि बॉल्ड ईगल अपना घोंसला अंडे देने के लगभग 3 महीने पहले से बनाना शुरू। इस ईगल के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घोंसला फ्लोरिडा में पाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट और वजन लगभग 3000 किलो के बराबर है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये ईगल अपने घोंसले का साइज समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके घोंसले का साइज और भी बड़ा हो जाता है। ये मधुमक्खी खोर पक्षी अपना घोंसला दूसरे पक्षियों से काफी अटकर बनाते हैं। एंड बीटर बर्ड्स, इसके नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पक्षी अपना पेट कैसे भरता है। बिल्कुल सही समझा आपने, यूरोपियन बीटर बर्ड्स अपना पेट पालने के लिए मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। दरअसल आम पक्षियों की तरह यूरोपियन बी ईटर बर्ड्स अपना घोंसला किसी पेड़ की टहनियों पर नहीं, बल्कि किसी पहाड़ के किनारे पर, रेत के किनारे या नदी के किनारे पर जमी मिट्टी के अंदर सुराख करके बनाते हैं। लेकिन अपने शौक का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि महज एक सुराख जैसा घोंसला होने की वजह से ज्यादातर सांप जैसे जीव इनके घोंसले में बहुत आसानी से घुस जाते हैं और इनके अंडों या बच्चों का शिकार कर लेते हैं। इन पक्षियों का बेहद अजीबोगरीब जगह पर घोंसले बनाने के पीछे की वजह यह है कि इन्हें ऐसी जगह पर रहना पसंद है जो हवादार हो।